पाकिस्तान बड़ा कमाल का देश है साहब, बहुत कमाल का देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिखकर बतानी पड़ेगी। तालियां बजाते रहो आप, उल्लास में रहो, मैं धीरे धीरे शुरू करता हूं। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। तालियां कमजोर है, मैं धीरे धीरे आऊंगा। कमाल का देश है। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा कि भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छा, ये कमाल का देश है हिंदुस्तान। लोग कहते हैं ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता हमें क्या देती है। मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूं कि कविता ने हमें क्या दिया, कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। तालियां कमजोर ना हो आपकी। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। मां का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मां का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। वाह, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। आज विनीत भाई पंवार जी को सुनकर आपको लगेगा कि आपको कविता का अभिनंदन करना चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। योगी जी की सरकार आई, आते ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बनाया, उनका जवाब सुनना, ताल से सुनेंगे आपको आनंद आएगा। योगी जी ने एंटी रोमियो क्यों बनाया उसका जवाब सुनना। ये चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। 1 2 3 4 आगे वालों, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। नाम बदले गए उत्तर प्रदेश में बहुत शहरों के। मेरे एक मित्र हैं अशोक जी, मेरे एक मित्र हैं मिश्रा जी, कंफर्म टिकट लिया फैजाबाद से इलाहाबाद का, 6 महीने पहले ट्रेन का। फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, मिश्रा जी विदाउट टिकट। मुझे एक कार्यक्रम में करीना कपूर मिल गई मुंबई में एक कार्यक्रम में। मैंने कहा कभी उत्तर प्रदेश आओ देखो, काशी कॉरिडोर बना है, अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। बोले नहीं जी वहां नहीं आऊंगी, बड़ी टेंशन है, डर लगता है। अरे मैंने कहा आपको क्या टेंशन है, अब करीना कपूर की टेंशन देखना। बोली वहां नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा नाम बदलने में आपको क्या टेंशन है, अब उनकी टेंशन सुनना आप। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें। वाह वाह वाह, नाम बदल के सब लोग। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे, और दूध का। और आखिरी पंक्ति में लगे कि मैंने बात निकाली है, हास्य निकाला है, तो सबका समर्थन मिले। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे।
वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे, वैसे मेरा तैमूर तु एक बार तालियां मिलकर बजा दो, मैं और धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, आप परेशान ना हो। और चार पंक्तियां सुनना। आज मैंने एक बयान पढ़ा, देखो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि वो लोग साथ में हैं जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आज भारत यात्रा कर रहे हैं। कैसी हास्यास्पद बात है। अब राहुल जी का दर्द सुनना, आप राहुल जी की तकलीफ सुनना। भोले आदमी है, सीधे आदमी है, किसानों के बीच गए, किसानों के बीच गए, बोले कोई समस्या हो तो बताओ। किसानों ने कहा बारिश हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए। राहुल जी बोले तुम बड़े भोले आदमी है, बोले तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों। अब उनका दर्द देखो कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मिलेगा तो ही विकास होगा। कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा। चार पंक्तियां और सुनना। कोरोना की वैक्सीन आई, मैं एक और वैक्सीन चाहता हूं आप सबके लिए। सुनना कि मीठी है जिंदगी मेरी नमकीन बना दो, चाहत है कि दुनिया मेरी रंगीन बना दो। मीठी है जिंदगी इसे नमकीन बना दो, कुछ भी कहूं सुनता रहे बस में रहे बीबी, कुछ भी कहूं सुनती रहे बस में रहे बीबी। भगवान कोई ऐसी वैक्सीन बना दो भगवान। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने उससे भी हाथ से निकाला। सुनना कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, 1 2 3 4। क्या बढ़िया लोग हैं। मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो, बीबी को बदलने की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, सुनो कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास। क्या बढ़िया प्रेम की बातें की। देखो भुवन मोहिनी ने, ये महिलाएं बैठी हैं, मैंने तो ब्यूटी पार्लर के बाहर एक वाक्य लिखा देखा अशोक भैया, ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। सत्य छुपेगा तभी सुंदर दिखेगा, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। वाह, आप समझ में आइए वैसे। कोई बात नहीं, देर तक समझो, देर तक सुनो। तो प्रेम पर सुनना, कुछ मुझे ध्यान आता है कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। ये जवान लोग बैठे हैं, इनके लिए पढ़ता हूं कि ये एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी। अब ये प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा बदल जाती है, भाषा का आनंद लेना। अलग अलग आदमी को प्रेम होता है, किसान को प्रेम हुआ उसकी भाषा देखना। कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में,
जिनके हाथ बने हैं उनसे कहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में 1 2 3 भाई साहब ने तो जूते तक उतार दिए बोले कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में, तुम बन के भैंस घुस गई। अब ये प्रेम सब्जी वाले को हो जाए उसकी भाषा देखना, कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा, पानी छिड़क छिड़क। अब डॉक्टर को प्रेम हो जाए, कोई डॉक्टर है यहां उसको प्रेम हो जाए, अब उसकी भाषा सुनना, कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा, शादी के बाद। मैं एक गीत पढ़ता हूं, हास्य का शुद्ध हास्य का एक गीत पढ़ता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके होठों पर मुस्कान रहे, इसलिए मैं एक शुद्ध हास्य का गीत पढ़ता हूं, और शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सबके पास अंबानी जैसी माया हो, रामदेव सी काया हो, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे। ध्यान से सुनो, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे, बच्चन जैसी लाइफ हो, कैटरीना सी वाइफ हो, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, देखो झूम के सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, कि देखो दुनिया में जितनी घटनाएं घटी हैं मैं उनका एक चित्रहार दिखाता हूं, और ये एक ऐसी कविता है जो धारावाहिक की तरह चलती रहती है, सब नई नई घटनाएं आप तक पहुंचाता हूं, बस शर्त यह है कि सबकी तालियों की ताल होगी तो हम इसे बड़े उत्सव की तरह पवार जी तक पहुंचा पाएंगे। कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, जब तक सारे सारे सारे, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, अन्नारालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया, यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया, धीमी साइकिल टूटा पंजा हाथी काम न आया, योगी बाबा पड़ गए भारी ओ जमाना बदला, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, बीजेपी का तो बिहार में निकल गया दीवाला, बीजेपी का तो बिहार में निकल गया दीवाला, नीतीश के कांधों पर बैठे लालू के दो लाला, रबड़ी बना रही तरकारी ओ जमाना, वाह वाह वाह, नीतीश के कांधों पर बैठे लालू के दो लाला, रबड़ी पीट रही है तारी ओ जमाना, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए एक बंद पढ़ता हूं, शुद्ध हाथ से पढ़ रहा हूं, कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी,
कि जो नर ताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी, पीटो शर्मा और तिवारी योदम, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी। कुछ लोग बीच में उठ उठ के जा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनकर कोई जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, कवि सम्मेलन सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया थारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। महाराष्ट्र में एकनाथ ने ऐसी पलटी मारी, महाराष्ट्र में एकनाथ ने ऐसी पलटी मारी, बाला साहेब के उद्धव की चली गई सरदारी, आपस में है मारा मारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। कुछ लोग अभी भी हाथ बांधे हैं, आपस में है मारा मारी, यो जमाना बदला जाए, सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। ऐसा खैर कम से कम राजस्थान संघ में तो नहीं हो सकता, सारी दुनिया में कहीं भी हो जाए। और लिफाफा दी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से कर दे हमें भिखारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, शुद्ध व्यंग पढ़ता हूं और भाई प्रवीण शुक्ल को समर्पित करता हूं, कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन, निर्मल बाबा की बलियारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो, एक कानून की मांग करता हूं, अगर आपका समर्थन हो कानून के साथ तो फिर सबके हाथ उठे, मैं हिम्मत करता हूं उस कानून की कि मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो, मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो, दो बच्चों के बाद में सबकी नसबंदी करवा दो, जनसंख्या हो गई है भारी, यो जनसंख्या हो गई है भारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। इस दुनिया को समझ न आए मोदी जी की लीला, चीन कर रहा ची 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 पाक पड़ा है पीला, अमरीका करता है यारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। बच्चे बोले दादाजी अंतिम इच्छा बतला दो, बच्चे बोले दादाजी अंतिम इच्छा बतला दो, दादा बोले बेटा सनी लियोनी से मिलवा दो, बुढ़िया से ये गुड़िया प्यारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमान। और मैं सारी दुनिया में जाता हूं कविताओं के साथ, ठाकों के साथ, लेकिन जिस मन से आप सब सुन रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। और बाबूजी हर बार इशारा करके एक एक को छोड़ आते हो, कहां छोड़, कहां ले जा रहे हो? भुवन मोहिनी को भी 3-4 बार उन्होंने इशारे से बुलाया, तो उसके बाद कहां छोड़ा है प्रभु आप? अब ये प्रवीण शुक्ल को बुला रहे, तू भी आ जा। प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी आप निभा रहे हैं? मैं लोगों को बुला बुला के ला रहा हूं, ये इधर से खिसका रहे। सारी सारी दुनिया में मैं जाता हूं जिस मन से यहां राजस्थान संघ ने कार्यक्रम किया है, कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं।
कि लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, राजस्थान संग के आगे सब कुछ लाग फीका, अपने लिए बजा दो तारियो जमाना। सब लोग हाथ उठे आपके एक बार, अपने लिए बजा दो तारियो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। बहुत मन से सुन रहे हैं आप, और देखो ये आमद है, मैं आया हूं अशोक बाबू, तो लोग वापस आ रहे हैं ना, सब आएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर कवियों को दोबारा लगा दो तो पूरा पंडाल फिर भर जाए। मैं एक राजस्थान के, कितने लोग हैं यहाँ सभी? अरे ये भी कोई बात है, आप अनुमति दें तो मैं एक राजस्थान पर गीत मैंने ताजा ताजा लिखा है, मैं वो सुनाना चाहता हूं। मेरा जन्म तो राजस्थान में नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान को जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा जाना देखा सीखा है, उस गीत के कुछ अंश पढ़ता हूं। अच्छा लगे तो आपके हाथ उठे, मैं सारी दुनिया में ये सुनाना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे साथ गाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल ताजा सुनाता हूं और राजस्थान पर ही सुनाता हूं। कि न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, कीर्तन। न्यारो, जो राजस्थान का ना हो वो ताली ना बजाए, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर हैं तो बजानी पड़ेगी। कि न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, बल्लू। न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, न्यारो, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं ये दोहराता रहूंगा, आपका ही है। न्यारो राजस्थान, बाटी चूरमा खाने आप पधारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान हमारो। अब सुनना कविता, कि जाकर के मुगलों से पूछो तेवर राजस्थानी, जाकर के मुगलों से पूछो तेवर राजस्थानी, रेत इसलिए है कि चढ़ गया तलवारों पर पानी, रेत इसलिए है कि चढ़ गया तलवारों पर पानी, यहीं पे जन्मे थे राणा प्रताप जैसे बलिदानी, राणा सांगा जैसे थे इस धरती पर अभिमानी, राणा सांगा जैसे थे इस धरती पर अभिमानी, कृष्ण प्रेम की अमिट निशानी रच गई मीरा रानी, कृष्ण प्रेम की अमिट निशानी मीरा रानी, कृष्ण प्रेम की अमित निशानी रच गई मीरा रानी, भूल न पाएगा जग पन्ना दाई की कुर्बानी, भूल न पाएगा जग पन्ना दाई की कुर्बानी, सुंदरता की एक मूरत थी वो पद्मिनी महारानी, मिलकर जश्न मनाना हो तो आओ चौकी धानी, मिलकर जश्न मनाना हो तो, एक पंक्ति में राजस्थान पढ़ता हूं, हाथ उठे, कि मिलकर जश्न मनाना हो तो आओ चौकी धानी, करना पाया भाषा शाह के जैसा कोई दान, न्यारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, यही पर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर धाम निराला, यहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर धाम निराला, और यहीं ख्वाजा का है दरबार मुरादों वाला, मेहंदीपुर साला सर में बालाजी खोले ताला, मेहंदीपुर साला सर में बालाजी खोले ताला, खाटू श्याम जी बांट रहे हैं दुनिया में उजियाला, बांट रहे हैं दुनिया में उजियाला, महावीर की शरण गहो तो पड़े न दुख से पाला, श्रीनाथ के भक्तों को मिलता है स्वर्ण निवाला, श्रीनाथ के भक्तों को मिलता है स्वर्ण निवाला, अचलनाथ का नगर जगतपुर देखो भव्य शिवाला, जयपुर अक्षर धाम की जिसने हर संकट हर डाला, ऊंच नीच का भेद नहीं है सब हैं एक समान,
प्यारो राजस्थान। आवाज कमजोर है आपकी। न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, इसी धरा पर होता है सूरजमल सा मस्ताना, यही जवाहर सिंह हुआ था किस्मत से दीवाना, यही जवाहर सिंह हुआ था फितरत से दीवाना, कर्माबाई नाम नहीं है दुनिया में अनजाना, रेत भरी धरती पर पड़ को वीरों का अफसाना, रेत भरी धरती पर पड़ लो वीरों का अफसाना, बांट रहे थे दुश्मन जब गद्दारों को नजराना, बांट रहे थे दुश्मन जब गद्दारों को नजराना, पौरुष ने मरुभूम चुन लिया अपने लिए ठिकाना, पौरुष ने मरुभूम चुन लिया अपने लिए ठिकाना, किले हवेली पर है वीरता का इतिहास पुराना, नई सभ्यता संग यहाँ मिलता है नया जमाना, दुनिया भर के सैलानी करते इसका गुणगान, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, न्यारो हाथ उठे, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान। अब अंतिम बंद पढ़ता हूं सुनना कि खान पान में राजस्थानी थाली सबसे प्यारी, खान पान में राजस्थानी थाली सबसे प्यारी, भुजिया घेवर दाल पूरी और गट्टे की तरकारी, दाल बाटी लपसी गोंदी व्यंजन शाकाहारी, पंचकूट और पिठूर सब्जी झांझरिया भी न्यारी, पंचकूट और पिठूर सब्जी झांझरिया भी न्यारी, बालूशाही भूल न पाए नर हो चाहे नारी, मावा मालपुए की खातिर देखो मारा मारी, मावा मालपुए की खातिर देखो मारा मारी, कितने ही मीठे व्यंजन आए करके तैयारी, बीकानेरी रसगुल्ले की कायम है सरदारी, बीकानेरी रसगुल्ले की कायम है सरदारी, स्वाद चाय के बने हुए हैं सदियों से पहचान, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान। बहुत अच्छा। बाटी चूरमा खाने आप पधारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान हमारो प्यारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान हमारो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि मैंने कुछ नया लिखा राजस्थान पर, बहुत अच्छा, तो मुझे सुनाना चाहिए क्योंकि पूरा राजस्थान यहाँ बैठा हुआ है, इतनी महिलाएं बैठी हैं, मुझे पता है कि मुझे पंवार जी तक पहुंचाता हूं। मैं पंवार जी तक आपको ले चलना चाहता हूं, लेकिन इतनी बेटियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनके लिए मैं कविता के बंद पढ़ देता हूं, दो बंद पढ़ देता हूं कि बेटी और बेटे में क्या अंतर हो सकता है, वो अंतर मैं बताता हूं। बहुत अच्छे। कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बेटी टेंशन नहीं होती, आप पढ़ा लिखा के बड़ा करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, एक बेटी टेंशन के बराबर हो सकती है, एक बेटी टेंशन के बराबर भी हो सकती। मैंने बेटियों पर बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं, एक बंद की कविता सुनाता हूं, छोटी सी, वो कविता बड़ी है लेकिन मैं दो बंद पढ़ता हूं और फिर पंवार जी स्वागत स्वागत भैया, बहुत अच्छे सुनील बाबू। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनको समर्पित करता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। वाह 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 वाह, आपकी तालियां बहुत कमजोर ना हो कविता के लिए, बहुत। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं,
बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे बनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। एक बंद पढ़ता हूँ, पूरा इतिहास आपको समझ आएगा। वाह वाह, कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है, मूर्ख कालीदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई, और इकरतनावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया, और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया, एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमूरा, सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, और लक्ष्मी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है, और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है, बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही है, बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही है, बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान।